हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुथार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेटा का बैकअप कैसे लिया जाता है और किसी कारणवश अगर हमारे डेटा में एरर आ जाती है या डेटा हमारा क्रैश हो जाता है तो उस बैकअप फाइल से डेटा को हम वापस कैसे ला सकते हैं, यानी कि डेटा को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो ये आज आपको मैं प्रैक्टिकल रूप से करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो एक अकाउंट के फ्रेशर स्टूडेंट और टेली के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं आपको अभी लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, अदरवाइज आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, जब भी हम टेली ईआरपी 9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में हमें दो ऑप्शन ये देखने को भी मिलते हैं, बैकअप और रिस्टोर का। तो फ्रेंड्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में या प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में बैकअप और रिस्टोर के फंक्शन को प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है ये आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंट्स के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो या टेली के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको ये पता चले भी बैकअप लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान में होना जरूरी है, यानी कि क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स, मैं बैकअप लेने के लिए सबसे पहले बैकअप ऑप्शन पे एंटर प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज, यानी कि जो हमने टेली में कंपनी क्रिएट कर रखी है उस कंपनी का नाम आएगा, और यहाँ पर हमें जो भी लोकेशन देनी है बैकअप फाइल के लिए वो लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जैसे हम बैकअप के ऑप्शन पर जाते हैं तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि एक सोर्स का और एक डेजिग्नेशन का। तो फ्रेंड्स, सोर्स के फंक्शन में क्या होता है, डी ड्राइव के अंदर tele.erp9 का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है डेटा के नाम से, यानी कि आपने जो भी कंपनी क्रिएट कर रखी है, जो भी आपने कंपनी में वर्क किया है वो सारा इस लोकेशन पे जाके ऑटोमेटिकली ही सेव हो रहा है। तो अब हमें बैकअप के लिए कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल रूप से भी जिस लोकेशन पर आपका डाटा सेव रहता है उस लोकेशन पे आप बैकअप फाइल कभी भी मत बनाना। तो भी आपका डी ड्राइव के अंदर डाटा का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है और आपने बैकअप फाइल भी डी ड्राइव के अंदर ही रख दी, लेकिन किसी दिन या किसी कारणवश अगर आपका डी ड्राइव फॉर्मेट हो जाता है तो आपका डाटा का जो फोल्डर है वो भी डिलीट हो जाएगा और जो आपने बैकअप फाइल बनाई है वो भी डिलीट हो जाएगी, यानी कि जो भी आपने मेहनत करी है वो सब बेकार हो जाएगी। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि जिस लोकेशन पे हमारा डाटा सेव है उस लोकेशन से हमें बैकअप फाइल है वो अदर ड्राइव में रखनी चाहिए। मान लीजिए डी ड्राइव में हमारा डाटा है का है तो हमें ई ड्राइव या एफ ड्राइव, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर ड्राइव अवेलेबल होती है उस ड्राइव में हमें बैकअप लेना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ देखना है भी हमें हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्राइव अवेलेबल भी है। तो हम माई कंप्यूटर पे जाके देखेंगे तो एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है और एक ई ड्राइव है। तो फ्रेंड्स, हमें सी ड्राइव के अंदर न तो कोई डेटा रखना चाहिए न ही हमें कोई बैकअप फाइल रखनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कभी भी क्रैश भी हो सकता है। डी ड्राइव के अंदर हमारा जो ऑटोमेटिकली जो डाटा सेव होता है, यानी कि डाटा का जो फोल्डर है वो डी ड्राइव में ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है, तो अब हमारे सामने ऑप्शन बचता है ई ड्राइव का, यानी कि हम जो बैकअप फाइल है वो हमारी ई ड्राइव के अंदर ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके सिस्टम के अंदर डी ड्राइव है या ई ड्राइव नहीं है, यानी कि केवल सी और डी ड्राइव दो ही है, तो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा के जैसे पेन ड्राइव वगैरह या एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा के उसके अंदर भी आप बैकअप ले सकते हो। हमें ई ड्राइव के अंदर में बैकअप लेने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा ये आज हम प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ। तो बैकअप लेने के लिए बैकस्पेस से एंटर प्रेस करेंगे तो हम इस ऑप्शन पर आ जाएंगे डेजिग्नेशन पर, और यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट जो लोकेशन दिखा रहे हैं सी ड्राइव, हमें सी ड्राइव को हटा के ई ड्राइव ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सी ड्राइव को हटा के ई ड्राइव करूँगा और ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट मैं करता हूँ टेली बैकअप के नाम से। आप अदर फोल्डर भी बना सकते हो, मैं टेली बैकअप यूज़ करता हूँ तो मैं टेली बैकअप के नाम से ही क्रिएट करूँगा एक फोल्डर, और टेली बैकअप के अंदर मैं एक सब फोल्डर और क्रिएट करूँगा डेट वाइज का।
अब डेट वाइज का कैसे क्रिएट करते हैं, अब मान लीजिए आपने 1 जून को भी वर्क किया है, 2 जून 2020 को भी वर्क किया है, 3 जून 2020 को भी वर्क किया है, तो आप डेट वाइज बैकअप लीजिए, आप एक ही बैकअप को ओवरराइट मत कीजिए बारी बारी। अब मान लीजिए जैसे मैंने 10 जून 2020 को भी वर्क किया है, 11 जून 2020 को भी वर्क किया है और 12 जून 2020 को भी वर्क किया है, तो मैं 3 डेज की अलग अलग फोल्डर क्रिएट करूंगा मैं, यानी कि ई ड्राइव के अंदर मेरा जो मेन फोल्डर है टैली बैकअप का वो ही रहेगा और उसमें जो सब फोल्डर है वो मैं अलग अलग क्रिएट करूंगा। अब वो कैसे क्रिएट होते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लीजिए मेरा वर्क है 10 जून का, आज 10/6/2020 को, तो ये लोकेशन मैं सेलेक्ट करूंगा, यानी कि ई ड्राइव में टैली बैकअप के नाम से एक फोल्डर क्रिएट होएगा और उस बैकअप फोल्डर में सब फोल्डर 10/6/2020 के नाम से क्रिएट हो जाएगा और मैं इंटरप्रेस करूंगा, तो जिस जिस कंपनीज का मेरे को बैकअप लेना है तो मैं इंटरप्रेस करता जाऊंगा तो वो यहाँ से हटती जाएगी और नेम ऑफ कंपनी में यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी और मैं इंटर इंटरप्रेस करते उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो ये हमारी ई ड्राइव के अंदर एक बैकअप फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब कहाँ हुई है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ई ड्राइव को ओपन करते हैं और ई ड्राइव के अंदर ये जो टैली बैकअप के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था, तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो इसके अंदर जो मैंने सब फोल्डर क्रिएट किया था 10 जून 2020 का, तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा जो भी कंपनी थी कोड वाइज उन सभी का यहाँ पे कोड वाइज बैकअप तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 11 जून का भी वर्क किया तो मैं 11 जून का भी एक बैकअप अलग से क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे जो 10 जून 2020 की जो डेट आ रही है इसको मैं 10 तारीख को ओवरराइट करके इसको यानी कि इसको एडिट करके 11 जून करूँगा और एंटर इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करूंगा। इसी तरीके से मैं 12 तारीख का अगर मैंने कोई अकाउंटिंग वर्क किया है इसमें तो मैं 12 तारीख का भी डेट में वर्क करूंगा मैं, यानी कि 11 तारीख को यहाँ से हटा के और इसको मैं 12 तारीख करूंगा। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर सब फोल्डर क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग डेट वाइज इसके अंदर हमारा बैकअप क्रिएट होता जाएगा। तो ये 10 जून, 11 जून, 12 जून डेट वाइज सारी एंट्री हमारे सामने हो चुकी है इसका बैकअप, अलग अलग फोल्डर भी इसके क्रिएट हो चुके हैं। तो अब जैसे ही मैं 13 तारीख का अगर बैकअप लेता हूँ तो मैं 10 तारीख का जो फोल्डर है इस फोल्डर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मैं लास्ट 3 डेज का ही बैकअप रखता हूँ मैं। अगर आप 3 डेज का रखना चाहो 3 डेज भी रख सकते हो, 4 डेज भी रख सकते हो, 5 डेज, 7 डेज, जितने भी आपकी मर्जी आप उस लास्ट डेज के रख सकते हो, लेकिन हमें ओवरराइट कभी नहीं करना। मान लीजिए अब जैसे 12 तारीख का हो गया, मैंने 13 तारीख को भी वर्क किया है, 14 तारीख को भी वर्क किया है, 15 तारीख को भी वर्क किया है, लेकिन मैंने जो डेट है मैं इसी के ऊपर अगर मैं बैकअप लेना चाहूँगा, मैं मान लीजिए मैंने 16 तारीख तक वर्क कर लिया लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी बैकअप नहीं लिया, तो मेरे सामने जो बैकअप ऑप्शन आ रहा है 12 जून का, यानी कि अभी जो मेरा बैकअप रहेगा वो इसी फोल्डर में ही क्रिएट होगी। तो जैसे ही मैं इंटरप्रेस करूँगा तो एक हमें ओवरराइट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, भी ओवरराइट बैकअप फाइल, यानी कि आप इस फाइल पर ओवरराइट करना चाहते हो क्या, तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप ओवरराइट बैकअप फाइल मत क्रिएट कीजिए। अब मान लीजिए भी मेरा 12 तारीख तक का अकाउंटिंग वर्क बिल्कुल सही था लेकिन 13, 14, 15 तारीख में जो 3 दिन में अकाउंटिंग वर्क मैंने मेंटेन की है उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई एरर हो सकती है, यानी कि उसमें किसी भी टाइप की अगर कोई एरर है तो जो मेरा 12 तारीख का जो मेरा पुराना डाटा है उसमें भी एरर आ जाएगी, यानी कि वो हमारा जो पुराना बैकअप लिया हुआ है वो भी हमारा बेकार हो जाएगा। अगर मैं 15 तारीख तक वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, 12 तारीख को हटा के मैं यहाँ से 15 तारीख तक ही सिलेक्ट करूंगा मैं, यानी कि जो ऑलरेडी फाइल क्रिएट हो चुकी है बैकअप की उसके ऊपर ओवरराइट हमें नहीं करना चाहिए और मैं इसको एंटर इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करूंगा। तो एक फोल्डर यानी कि 15 तारीख का एक फोल्डर और क्रिएट हो चुका है। अब हमारे सामने लास्ट 4 डेज के बैकअप आ रहे हैं, तो मैं अब लास्ट 4 डेज को बैकअप के लिए यहाँ से 10 तारीख का जो 10/6/2020 का जो फोल्डर है इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, तो लास्ट 3 डेज का बैकअप रह जाएगा। अब हमें इस चीज़ का देखना है भी बैकअप लेने का बेनिफिट हमें क्या मिलता है, भी क्या रहेगा बेनिफिट। अब मान लीजिए किसी दिन आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है, अब मान लीजिए आपका जो डाटा की जो लोकेशन आ रही थी वो कहाँ पे थी, सोर्स में, यानी कि डी ड्राइव के अंदर tally.erp9 का फोल्डर है और उस फोल्डर में डाटा का फोल्डर है। अब मान लीजिए किसी कारण से अगर आपको डाटा फोल्डर वो डिलीट हो जाता है, मैं डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको, मैं डी ड्राइव में गया tally.erp9 और यहाँ पे जो डाटा फोल्डर जो कंपनीज है, अब मैंने मान लीजिए इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, तो अब जिस दिन भी आप कंपनी आप ओपन करोगे
अब उसके बाद जैसे कंपनी करोगे तो यहाँ पे आपको नो लिस्ट ऑफ कंपनीज में नो कंपनीज ऑन डिस्क शो करेगा, क्योंकि अब ये इस चीज़ को समझ रहा है भी इस लोकेशन पे मेरे को कोई भी डाटा का कोई फोल्डर यहाँ पे मेरे को नहीं मिल रहा है, टेली कंपनी को कोई भी फोल्डर ऐसा नहीं मिल रहा है। तो अब अगर आपके पास में बैकअप है तब तो हम उस डाटा को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने बैकअप नहीं लिया और आपका डाटा का फोल्डर है वो भी आपका डिलीट हो चुका है तो आपकी सारी करिकुलम मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। तो अब हमें डाटा रिस्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले रिस्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं रिस्टोर पे ऑप्शन पे एंटर प्रेस करूंगा तो अब हमारे सामने ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले जो सोर्स का ऑप्शन ऊपर था अब वो नीचे हो चुका है, जो डेजिनेशन से पहले नीचे था अब वो ऊपर हो चुका है। तो अब हमें सबसे पहले ये चीज़ पर रहेगा डेजिनेशन, मतलब जो आपका जो डाटा का जो फोल्डर है वो इसी फोल्डर पे रहे, मतलब इस लोकेशन पर रहेगा डी ड्राइव टेली डॉट ईआरपी नाइन स्लैश डाटा में। और सोर्स का मतलब जहाँ पे आपने बैकअप फाइल क्रिएट कर चुके हो आप, यानी कि जिस लोकेशन पे आपने डेटा फाइल को सेव किया था वही फाइल आपको यहाँ पे दोबारा आप देनी पड़ेगी। यानी कि ई ड्राइव में टेली बैकअप का फोल्डर था उसमें 15/6 जो लेटेस्ट बैकअप था हमारा वो हम यहाँ से ऑटोमेटिकली रिस्टोर करेंगे। जैसे हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये जिस जिस कंपनी का हमें बैकअप लेना है, यानी कि जो जो कंपनी हमें डाटा में शो करनी है उसका बैकअप लेंगे और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारा डाटा हमारा रिस्टोर हो जाएगा। अब वापस हम सेलेक्ट कंपनी पर जाके एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारा डाटा हमारा आ जाएगा। और हम डी ड्राइव में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी जो डाटा फोल्डर हमने डिलीट किया था वो भी ऑटोमेटिकली दोबारा आ जाएगा। तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है भी हम जो बैकअप फाइल हमारे सामने होती है, अब मान लीजिए अब आपने 15 तारीख तक वर्क किया है और बैकअप आपका जो है 15 तारीख तक है, लेकिन आपने अकाउंटिंग वर्क है वो 20 जून 2020 तक कर रखी है, लेकिन आपने लास्ट 5 डेज का बैकअप नहीं लिया, तो आपको 15 तारीख तक जो आपने अकाउंटिंग वर्क किया है वही आपको मिलेगा। यानी कि जो लास्ट 5 डेज आपने जो बैकअप लिया ही नहीं है वो डाटा आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको वापस एंट्री करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी भी कंपनी में प्रैक्टिकल रूप से अगर अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो आप बैकअप है जो डेली का डेली ही लीजिए। आप ये मत देखिए आज हमने बैकअप लिया कोई बात नहीं हम इसका बैकअप कल ले लेंगे, यार कल भी हम छोड़ दिया हम परसों बैकअप ले लेंगे, तो डाटा आपका किसी दिन भी क्रैश हो सकता है तो आपको इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हो किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, मैं टेली की बात नहीं कर रहा, तो आप उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से डेली का डेली बैकअप आप क्रिएट जरूर कीजिए आप, ताकि आपको नेक्स्ट डेज अगर आपको देखने को मिले अभी आपका डाटा है ही नहीं, आपका डाटा फोल्डर डिलीट हो चुका है, तो आपने जो लास्ट डेज में जो बैकअप लिया था उससे आप डाटा रिस्टोर कर सकते हो। और अगर आपसे एक सजेस्ट और भी है कि आप अपने जो डाटा का जो भी आप बैकअप ले रहे हो उस बैकअप को आप अपने एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में जरूर रखें, यानी कि किसी भी टाइप के हार्ड डिस्क है या आपके पास पेन ड्राइव है तो उसमें आप अपना बैकअप फाइल जरूर रखें। भी मान लीजिए आपके किसी दिन पूरी हार्ड डिस्क भी अगर क्रैश हो जाती है तो कम से कम आपका जो पेन ड्राइव में जो डाटा सेफ है वो डाटा आप किसी अदर सिस्टम पे भी आप चला सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें।